वेलकम बैक टू माई चैनल वो बी ऑल आर डूइंग वेल सो आज ना आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा सीरम जो कि आपके अन इवन स्किन टेक्स्चर अनइवन स्किन टोन लार्ज पोर्स और पिम्पल प्रॉब्लम्स और डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन हा कितना कुछ है सब कुछ क्या कर देता है तो मैं बहुत दिन से इसके बारे में रिव्यू करना चाह रही थी बट आ, ड्यू टू ऑल अदर वीडियोज़ ये रिव्यू नहीं हो पा रहा था ये शेयर नहीं कर पा रही थी आप लोगों के साथ सो सोचा कि क्यों ना आप शेयर करते हैं इट्स हाई टाइम ना सो मैं आज लेकर आई हूँ एक ऐसा सिरम शेयर करने के लिए जो मैं लास्ट थ्री मंथ्स यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली आई एम अमेज विद द प्रोडक्ट आई एम इन लव विद द प्रोडक्ट एंड मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए क्योंकि मेरे जैसा प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को है सो टुडे आई एम विद दिस द ऑर्डिनरी का नाइचिना एंड जिंक सो इट इज़ अ प्रोडक्ट आई एम लविंग इट नाउ देखिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस द ऑर्डिनरी ब्रांड इट्स अबाउट नाइचिना सीरम लाइक मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैं लास्ट थ्री मंथ्स यूज़ कर रही हूँ और मुझे पता है ये मेरे स्किन के लिए द बेस्ट है क्योंकि ये मेरे लार्ज पोर्स को मिनिमाइज़ करता है मेरे फेस में इकनी होने नहीं देता मेरे फेस में ऑयलीनेस नहीं होने देता मेरे फेस को अन ईवन से बचाए रखता है और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है कॉलेजन प्रोडक्शन करता है फेस को थोड़ा ग्लोई बना के रखता है और भी बहुत कुछ करता है ये मतलब मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लगा यूज़ करके ये आप देख सकते हो मेरा बॉटल जो है देख सकते हो यहाँ तक आ गया है सो आई एम यूजिंग इट एवरी सिंगल डे और ये ना मैं एक ही टाइम यूज़ करती हूँ इन द मॉर्निंग लाइक इट्स रिकमेंडेड कि आप दो बार यूज़ करो बट आई ओनली यूज़ इन द मॉर्निंग और मैं नाइट में दूसरा सीरम यूज़ करती हूँ बट दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट आई डोंट नो अबाउट अदर ब्रांड्स बट येस आई लव दिस वन एंड नाइसिना इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑयली स्किन पीपल और डेयर ये जो है इसमें है नाइसन एम आई टेन परसेंट एंड वन परसेंट जिंक जिंक हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आपका इक्नी uh, पिम्पल वाला स्किन है लाइक डॉक्टर रिकमेंडेड मी जिंक सनस्क्रीन लोशन क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए मेरे टाइप के स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है सो इट्स अ परफेक्ट वन ये आपके जो ओपन पोर्स है ना उसको धीरे धीरे मिनिमाइज कर देगा क्योंकि मेरा सीरियसली बहुत ओपन पोर्स था एंड क्रॉस फिंगर अभी बहुत ठीक है बहुत एक नहीं था येस yes, अभी ठीक है ड्यू टू नॉट जस्ट नाइसिनामाइड बट माई स्किन केयर रूटीन विच आई फॉलो एवरी डे अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर जाइए मेरे चैनल में और ये वीडियो देखिए मेरा एक्नी स्टोरी एंड माई स्किन केयर रूटीन विच आई फॉलो एवरीडे सो ये ज़रूर कीजिएगा अगर आपका एक्नी प्रोन स्किन है सेंसिटिव स्किन है और uh, बहुत ही ऑयली स्किन है मतलब बहुत ही ऑयली स्किन है एक्सप्लेन नहीं कर सकते बहुत ही ऑयली स्किन क्योंकि मेरा पूरे फेस ऑयली है जस्ट नॉट जस्ट द टी जोन और सम एरिया ऑफ माई स्किन बट द होल स्किन इज ऑयली जब सुबह उठती हूँ ना तो मेरा पूरा फेस ऑयली हो जाता था बट नाव ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ ना इसके वजह से मेरा जो ऑयल है वो बहुत कंट्रोल हो गया है स्किन uh, में ग्लो है बट ऑयलीनेस नहीं है स्किन बहुत ही हो गया है ब्राइटनिंग भी करता है ये ये मतलब स्किन जो है आई विल नॉट से कि ये आप डार्क स्किन हो एंड ये आपको फेयर बना देगा ऐसा नहीं है बट आपका जो स्किन का कंप्लेक्शन है उससे थोड़ा सा अपग्रेड कर देता है ये प्रोडक्ट नाइसिनामाइड नॉट दिस द ऑर्डिनरी का बट नाइसिनामाइड करता है ये सो आई विल रिकमेंड नाइसिनामाइड टू यू पीपल अगर आप ऑर्डिनरी का नहीं ले सकते हो गो फॉर एनी अदर ब्रांड आप लाइक uh, like, मैं डर्म uh, डॉक का भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में मैं दूसरा रिव्यू दूंगी डर्म डॉक का भी सीरम्स अच्छा होता है यू कैन गो फॉर दैट और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो देन यू कैन बाय दिस वन बट ये है कि आप अगर एक बार इन्वेस्ट करते हो तो आप इसे दो महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हो आई जस्ट यूज थ्री ड्रॉप्स एवरी डे थ्री ड्रॉप हैंड मसाज कर लेती हूँ पूरे फेस में आफ्टर अप्लाइंग दिस क्लीजिंग हो गया टोनिंग हो गया जस्ट आफ्टर टोनिंग आई अप्लाई दिस टोनर को ड्राई होने नहीं देती पूरा पूरी थोड़ा सा वेट रहता है फेस उसी में ही ये सीरम यूज़ करती हूँ एंड आई मसाज ब्यूटीफुली ओवर माय स्किन एंड देन मॉस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन लोशन। आप देख लो जाके मतलब आप देख लो मेरा जो uh, वीडियोस है स्किन केयर के ऊपर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से सब कुछ बता रखा है उसमें प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड आप ये प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो आई लव द नाइसिना माइट सीरम आई लव द ऑर्डिनरी बट ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि आपको ऑर्डिनरी का ही लेना है यू कैन गो फॉर अदर ब्रांड्स ऑल्सो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आई कैनॉट से अबाउट ऑल द अदर ब्रांड्स हाँ ऑर्डिनरी का यूज़ किया तो आई कैन से येस इट वर्क्स बट नाइसना माइट इज़ रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस सो यू कैन गो फॉर नाइसना माइट अगर आपका य कंसर्न प्रॉब्लम्स है तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चिल्डन बाय बाय